सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, अब हम शुरू करते हैं अपने अगले व्लॉग की जो होगा चौथा व्लॉग हमारे साई सिंगनापुर का जो विजिट हमने किया है उसका। यहाँ से हम निकल रहे हैं मुंबई की तरफ। हाँ, ये चौथा व्लॉग होगा हमारा, पार्ट फोर। यस यस, लास्ट व्लॉग फॉर दिस सीरीज। अगर वापस देखना तो प्लेलिस्ट चेक कर। हाँ, तो वापस देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट देखना पड़ेगा। तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से मुंबई के लिए, और यहाँ से 4-4.5 घंटे का रास्ता दिखाएगा। रास्ते में जो जो कवर होगा वो हम कवर करेंगे। चले मिलते हैं आपसे रास्ते में। मजाक नहीं कर रहा था क्या? अरे यार क्या कर रहा है तू, गिरा रहे बॉल। सैनिटाइज कर उसको। घुमा दे, हाथ साफ कर, हाथ धो अपने, हाथ धो पानी से। साई हेरिटेज विलेज। सो मजा आ गया इस टूर में हमारा, बहुत ज्यादा मजा आया। और अब हम निकल रहे हैं मुंबई की तरफ। गाड़ी में हम बैठ चुके हैं, गूगल मैप लगा लेते हैं। इस हिसाब से मेरे ख्याल से 5 बजे तक हम लोग को पहुंचना चाहिए, आराम से भी जाएंगे तो। सो हम लोग पहुंचेंगे 5:05 पे। ये एक जगह हम शूट कर रहे हैं आधे रास्ते में पहुंच के। यहाँ पे एक्चुअली सामने ट्रक आ गया, अदरवाइज इसमें ऐसा लग रहा है सिर्फ पाप। ये देखो, ये थोड़ा सा दिखेगा, ये जो ऊंचाई है उसके बाद नीचे कुछ दिखेगा नहीं। बट ये गाड़ी के चक्कर में सारा वीडियो खराब हो गया। एनीवे, दूसरा एक आएगा तो तब देखते हैं। अभी हमारा 100 किलोमीटर रह गया मुंबई, तो हम लोगों ने सोचा एक ब्रेक ले लेते हैं। थोड़ा खाया पिया है नहीं, कुछ तो खाएंगे। धूप से एकदम देखो कैसा दिख रहा है हम लोग, पता नहीं अब दिख कैसा रहा है ये पता नहीं, लेकिन जो जगह हमने चुनी है बहुत मस्त है, दिखाता हूँ। एक तो यहाँ पे पहाड़ है और दूसरा एकदम पास में पहाड़ है, अच्छी जगह है। चलो, इधर स्टारबक्स भी है, KFC भी है, मैकडी भी है, और पता नहीं क्या क्या है। हमने तो बीर डोमिनोज भी, बीर को बोला था दाल रोटी खाएंगे, मैं तो दाल रोटी खाऊंगा मिली तो। डोमिनोज, स्टारबक्स, KFC सभी है, मैकडोनाल्ड्स। पहाड़ देख क्या मस्त लग रहा है ना, वाह। टेस्ट ऑफ कैंडी, फूड हिल्स हैं। क्या क्या खाना है? चार ही हैं यहाँ पे तो। अच्छा, अंदर भी है, जगत भगत तारा चंद करके कुछ है। चलो, कितना ठंडा हो रखा है। मुँह धोने बाद में धोने पहले। साउथ बॉम्बे श्री कृष्णा वड़ा पाव भी है, थाली मूंग का हलवा वगैरह खाना है। साउथ मुंबई श्री कृष्णा वड़ा पाव द कॉफी। तू क्या खाएगा, डोमिनोज या कुछ और? अरे वो भी है, पापड़ी चाट खाना है तो पापड़ी चाट भी खाते। पहले खाना खा के देख कितना होता है। ये देख डिफरेंट तरीके की फूड है ना, ये कंडाली जैसे लग रहा है बट कंडाली नहीं है मेरे। चल देख क्या, तो ऊपर क्या है, सबकी है सबकी। इसका 31 नंबर है, हमारा 53 नंबर है। आप लोग का साथ है? सिर्फ चार ही हैं यहाँ पे। ऐसा है, ये वाला तू नहीं खाता, ये वेजिटेबल क्रीमी पीस क्रीमी पास्ता है। तू जो खाता है शायद पास्ता ही पास्ता होता है उसमें, राइट? ये क्रीम ज़्यादा चीज़ होता है उसमें। हाँ, ये क्रीमी पास्ता है। और ये है हमारी थाली, जीरा राइस और पता नहीं क्या क्या सब्जी है। एक तो पनीर है, ये दाल दिख रही है, पापड़, रसगुल्ला, छाछ, रोटी और मिक्स वेज। तो टीना के लिए मैंने रोटी मंगा थी, मैं चावल खा लूँगा। मम्मी कह रही टी शर्ट देख रही है उसको, ये वाली समथिंग फॉर एवरीवन मेंस क्विकली फैशन। चेक कर लेते हैं एक बार, वेयर योर ओपिनियन। आ जाएगा बिल सेंडिंग या मोबाइल? श्योर, थैंक यू बॉस। चलो, एक एक टी शर्ट सबके लिए हो गया, वाह क्या बात। कॉफ़ी लिए मैंने, कहा वैसे कॉफ़ी नहीं पी, थोड़ा सा ज़रूरत था। तुम वेट कर, तुम कार के पास पहुँचो, मैं आता हूँ ज़रा। हम ऑटो, मम्मी ने सिप ली ना मेरे कॉफ़ी की। हाँ, इधर। हम लोग को लेट हो गया थोड़ा सा,
खाने में थोड़ा ऑर्डर किया तो टाइम लग गया आने में, और अब निकल रहे हैं हम, तो मेरे को लग रहा है 6 बजे तक पहुँचेंगे हम लोग। फोटो वोटो लेना है? चले फोटो तो लेते ही नहीं, हमारे को आदत ही नहीं किसी को फोटो लेने की। लेंगे भी तो बड़ी मुश्किल से एक आध फोटो लेंगे, अदरवाइज नहीं। गाड़ी भी देखो कितनी गंदी हो गई, धुलवानी पड़ेगी। खैर सर्विसिंग का ड्यू हो गया, अभी सर्विस करनी बाकी है इसकी भी। चलो बोलो साई की जय, बोलो गणपति भगवान की जय, शनि बाबा की जय, माता रानी की जय, क्योंकि अब हम पहुंच चुके हैं अपने घर। बज रहे हैं घड़ी में 6:00 भाई, सुख शांति आ गए, और क्या चाहिए। से ट्रिप रहा बहुत सक्सेसफुल। घर जाके मैं आपको बताता हूँ कि क्या मैं एक स्पेशल जगह गया था और क्या हुआ था, उसके बाद इस ब्लॉग को करेंगे एंड। और ये सीरीज़ मैं प्लेलिस्ट में डाल दूँगा, 4 एपिसोड है इसमें, आप उसको देख लीजिएगा। पापा बस सब मतलब हम खिलाएं, हम पिलाएं, सब कुछ करें, हमारे पे प्यार नहीं बस। ये देखो कितना मतलबी इंसान है, सिर्फ टीना पे, सिर्फ टीना के पास गया है। माय गॉड, सुसु भी चला गया, कैसा आदमी। ओ देखियो मेरे पास तो आ ही नहीं रहा है, ये भगवान कितना मतलबी इंसान है। रैम्बो 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 रैम्बो। सो मैं इससे पहले कि वीडियो को एंड करूं, जैसे मैंने बोला था कि हम मैं गया था एक जगह में जहाँ पे उनका नाम था हेमंत आर्ट्स, राइट, साई बाबा आर्ट गैलरी। और उस गैलरी में जाके मैंने देखा कि एकदम मतलब जो जो आर्टिस्ट ने जो बनाया है स्टैचू, चाहे फोटो चाहे उनका स्केच, जबरदस्त। आप देखोगे रियलिटी उसकी तो एकदम जबरदस्त, बहुत बड़ी गैलरी है। मैं उनकी डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप भी आप शिरडी जाते हैं तो आप जाके वहाँ पे जा सकते हैं, और मैं तो रिकमेंड करूँगा यू शुड गो, बिकॉज आपको जाके वहाँ पे पूरा स्टोरी बताएंगे कैसे कैसे उनकी आर्ट्स की पिक्चर, कैसे कैसे साईं बाबा की पिक्चर्स हैं, पूरा गाँव की उन्होंने पिक्चर बनाई, बहुत ही ज़बरदस्त गैलरी है। और साथ के साथ जो एक चीज़ में लिखे हैं वो है आईज ऑफ लॉर्ड साईं बाबा। ये उन्होंने बनाया था, ठीक है, किस चीज़ से बनाया था उन्होंने, चारकोल से बनाई, और उनकी जो चारकोल की फ़ोटो उन्होंने बनाई है बहुत ही बेहतरीन बनाई है। मतलब उसमें आप मार्केट से ले लो फोटो और फिर यहाँ से ले लो फोटो, उसमें फ़र्क पड़ता है। तो ये एक मैं लेके आया हूँ जो ओरिजिनल चारकोल से उनकी बनाई हुई, मार्केट में आपको बहुत मिल जाएगी, लेकिन मार्केट में क्या है कि डुप्लीकेसी बहुत आ जाती है, बट उन्होंने अपने इसको पेटेंट कराया हुआ है। और क्या है आपको दिखाता हूँ, ये तो है इनका स्टैंड, स्टैंड आप कहीं पे भी रखना है तो आपको स्टैंड करके आप रख सकते हो। और दूसरा ये है, ये देखिए, ये है साईं बाबा की आंख, ये पूरी चारकोल से बनाई है और इतनी जबरदस्त बनाई है। और इसका जो इम्पैक्ट उन्होंने बोला है, हमने कल 5 मिनट का मेडिटेशन मोरलेस किया था वहाँ पे, जबरदस्त। और साथ के साथ इसकी एक सीडी भी दी है उन्होंने, जब भी आप कभी मेडिटेशन करना चाहते हो शाम के टाइम, तो ये भी आप लगा सकते हो सीडी। तो ये जो आईज है, इसको आप घर के किसी भी कोने में, कहीं पे भी, किसी भी दिशा में आप रख सकते हो। उनका मानना ये है कि शाम के टाइम आप आके अगर बाबा के साथ बैठो और उनकी आंखों में देखो और 5 मिनट का भी ध्यान करो, तो आपकी जितने भी थकान है चाहे समस्या चाहे जो भी है उसका निदान हो जाए, कोई बुरी नज़र ये वगैरह जो भी होती है वो नहीं लगेगी। सो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, तो इसके लिए मैं लेके आया हूँ ये, जिसको हम लगाएंगे कहीं भी, ऐसे लगा सकते हो स्टैंड पे। और ओरिजिनलिटी का ध्यान रखना जरूरी है, बिकॉज मार्केट में बहुत मिल जाएगा लेकिन ओरिजिनल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो आई थॉट कि आपको उसको शेयर करूं। और ये बड़ी बड़ी हस्तियों के पास भी है, ये सचिन तेंदुलकर का वो एग्जाम्पल दे रहे थे कि उन्होंने भी ये मंगवाई है, उन्हीं के यहाँ से उन्होंने मंगवाई है, तो अपने 4-5 घर हैं जो भी उनके घर है वहाँ पर उन्होंने इसको लगवाया है। सो आई थॉट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, इट वॉज अ ग्रेट आर्ट गैलरी। एंड आपको मौका मिलता है तो आप जाइएगा, डिटेल्स में लिंक में डालूंगा, और उनके इंस्टाग्राम वगैरह जो है, यूट्यूब सोशल मीडिया अकाउंट है, वो भी डिटेल आपको दे दूंगा, मस्ट विजिट ये शॉप में। तो वहाँ से हमने लिए, या बताइएगा ये सहन शक्ति किसके लिए है, शक्ति टी शर्ट जो है वो किसके लिए है, और ये ऐसे ये वाली टी शर्ट ये किसके लिए है, और ये वाली टी शर्ट किसके लिए,
अगर आप सही बताएंगे, जो भी सही बताएगा उसके कमेंट को मैं पिन करूंगा अपने चैनल में, और नेम चैनल में उसका नाम भी लूंगा पक्का। और इसके अलावा इस बार साइंस हमें काफ़ी ऐसी अच्छी चीज़ें हुई जिसमें जिसका हमें काफ़ी अच्छा एहसास हुआ। हम एक छोटी बच्ची से भी मिले, उससे भी काफ़ी देर बात की, और फिर हम सनी सिंगलापुर गए थे, वहाँ पे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। और जो एक्सपीरियंस होता चला गया वो हमने करते चले गए, हमने कहा शायद बाबा की आज्ञा है तो इसको करना चाहिए, और हमने किया। 2 दिन का जो सफ़र रहा ना, इट वॉज ऑसम। मतलब मैं बार बार बोल चुका हूँ ये ऑसम था, पता ही नहीं चला हमको। स्मूथली गए, स्मूथली आ गए, स्मूथली दर्शन हो गए, और जो जो चीज़ हमारे हाथ से होनी थी शायद हमारी किस्मत में थी और हमने करी, जितना हमसे हो सकता था हमने उसको किया। सो ये 4 एपिसोड बन चुके हैं, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ 4 एपिसोड बन चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, अगर आपने ये वाला पहले देख रहे हैं तो आप बाकी के देख लीजिएगा, लेकिन 1, 2, 3, 4 से आप देखिएगा तो आपको पूरी जर्नी पता चलेगी। सो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म, बने रहिए मेरे साथ शिव रावत चेन ऑफ लाइफ के साथ।